गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू डायनेमिक स्टडी आई एम ज्योति बुधवार टुडे वी आर डिस्कस रिगार्डिंग रेगुलर लैंग्वेज दिस इज़ क्विज़ नंबर ट्वेल्व इससे पहले भी हम ग्यारह क्विज कर चुके हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी वट इज़ रेगुलर लैंग्वेज अ लैंग्वेज जनरेटेड बाई रेगुलर ग्रामर इज़ नोन एज रेगुलर लैंग्वेज हे रेगुलर ग्रामर इफ अगर इफ इट इज़ अ लेफ़्ट लीनियर ग्रामर और इट इज़ राइट लीनियर ग्रामर देन द ग्रामर इज़ रेगुलर ग्रामर और अगर कोई रेगुलर ग्रामर है तो वो रेगुलर लैंग्वेज होगी सो लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोविंग इज फॉल्स लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई फाइनाइट ऑटोमेटाज आर रेगुलर लैंग्वेज जो लैंग्वेज हमारी फाइनाइट ऑटोमेटाज से एक्सेप्ट होती हैं वो हमारी रेगुलर होती हैं सो इट्स ट्रू एवरी डी एफ एज़ एन एन एफ ए हर एक डी एफ ए का एन एफ ए होता है इट्स ट्रू देर आर सम एन एफ एज़ फॉर विच नो डी एफ ए कैन बी कंस्ट्रक्टेड दिस इज़ फॉल्स एन एफ ए एंड डी एफ ए बोथ आर हैविंग इक्वल पावर सो हर एक एन एफ ए के लिए हम हर एन एफ ए कन्वर्टेबल होता है उसके इक्विवलेंट डी एफ ए में सो हेयर सी विल बी द आंसर डैश मीन्स देर इज़ पोटेंशली मोर देन वन व मोर देन वन वे अ मशीन में प्रोसेस इन एन इनपुट स्ट्रिंग मोर देन वन चॉइस हमारी एन डी एफ ए में होती हैं नॉन डिटर्मिनेस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हैविंग मोर देन वन चॉइस फॉर एनी इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन एन डी एफ ए नल ट्रांजिशन ऑल्सो अलाउड सो हेयर ए विल बी द आंसर द क्लासिक फॉर्मेलाइजेशन ऑफ़ जेनरेटिव ग्रामर फर्स्ट प्रपोज्ड बाई तो क्लासिक ग्रामर्स को किसने प्रपोज़ किया था फर्स्ट टाइम नॉम चॉम्स की सी विल बी द आंसर रेगुलर लैंग्वेज नोट क्लोज अंडर जो हमारी रेगुलर लैंग्वेज होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों के क्लोज्ड होती हैं जैसे लेफ्ट क्वेश्चन राइट क्वेश्चन होमोमोरफिज्म इनवर्स होमोमोरफिज़म एट्सट्रा सो नोट क्लोज किस किसके होती हैं सबसेट इनफाइनाइट यूनियन इनफाइनाइट इंटरसेक्शन सो हेयर डी विल बी द आंसर विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज करेक्ट इफ ऑल द स्टेट्स इन डी एफ ए आर फाइनल स्टेट इट एक्सेप्ट ए प्लस बी का स्टार और यूनिवर्सल लैंग्वेज इफ ऑल द स्टेट्स इन एंड डी एफ ए आर फाइनल स्टेट देन इट एक्सेप्ट यूनिवर्सल स्टार सो लेट्स चेक इट फॉर example हमारे पास ये एक ऑटोमेटा है हमें बताना है कि एन डी एफ ए डी एफ ए उनमें से किस में अगर हम सारी स्टेट्स को फाइनल स्टेट बना दें तो वो यूनिवर्सल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है तो वो होता है डी एफ ए में लाइक like, अगर हमारे पास ये ऑटोमेटा है ये हमारा एन डी एफ ए है तो अगर हमने इसमें दोनों स्टेट्स को फाइनल स्टेट बना दिया तो इससे हम क्या एक्सेप्ट करा सकते हैं ए स्टार बी स्टार दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी का स्टार और यूनिवर्सल लैंग्वेज अगर हम इसको एज ए डी एफ ए ट्रीट करते हैं तो डी एफ ए हमेशा टोटलिटी को परफॉर्म टोटेलिटी को फॉलो करता है उसके अंदर हर एक एलिमेंट या इनपुट हर एक एलिमेंट और इनपुट के लिए ट्रांजिशन डिफ़ाइन होता है जैसे कि ए और बी हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल हैं तो ए के लिए सेल्फ लूप हो गया एक स्टेट पे हर एक स्टेट पे हर एलिमेंट के लिए ट्रांजिशन डिफ़ाइन होना चाहिए इन डी एफ ए के लिए हो गया क्यू नोट पे बी के लिए हो गया अब क्यू वन पे बी के लिए तो है ए के लिए नहीं है अगर हम वापस ए पे इधर आ जाएं तो अब ये मशीन क्या एक्सेप्ट करेगी ए प्लस बी का स्टार बिकॉज यहाँ पे दो सेल्फ लूप होगी ए के लिए भी लूप है बी के लिए भी लूप है और बी के बाद हम दोबारा से भी ए की हमारी लूप चलती जाएगी ए स्टार बी बी स्टार ए सो हेयर ए विल बी द आंसर इन एन एफ ए दिस इज नॉट नेसेसरी इफ़ अगर अगर हम सारी स्टेट्स को फाइनल स्टेट बना दें तो वो यूनिवर्सल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा फॉर ए रेगुलर ग्रामर इफ़ इट इज़ रेगुलर ग्रामर के लिए क्या होना चाहिए लेफ्ट लीनियर राइट लीनियर बोथ और आइदर ए और बी नॉट बोथ सो हेयर डी विल बी द आंसर अगर हमारी रेगुलर ग्रामर है तो उसके लिए या तो लेफ़्ट लीनियर होना चाहिए या राइट right लीनियर होना चाहिए दोनों नहीं होना चाहिए सो हेयर डी विल बी द आंसर लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर ग्रामर क्या होती है हमारी लेफ्ट लीनियर में हमारे पास ए गोज़ टू बी एक्स राइट हैंड साइड में एट मोस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए एट लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे ठीक है और राइट right लीनियर में राइट हैंड साइड में एट मोस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए एट राइट मोस्ट पोजीशन तो ही हमारी लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर ग्रामर होगी और इनमें से अगर कोई भी एक है तो वो हमारी रेगुलर ग्रामर होगी अगर दोनों हैं तो वो लीनियर ग्रामर तो होगी बट रेगुलर ग्रामर नहीं होगी इफ़ एल वन इक्वल टू फाइ एल टू इक्वल टू ए देन एल वन स्टार एल टू स्टार फाइंड आउट करना है हमें एल वन क्या दिया हुआ है फ़ाइ फाइव स्टार एल टू ए स्टार जैसा कि आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी फाइव स्टार को हम नल से नल लिख सकते हैं और ए स्टार और अगर हम ए स्टार में नल और ऐड कर दें तो भी हमारे पास क्या ही रहेगा ए स्टार सो हेयर बी विल बी द आंसर फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल बाइंड्री स्ट्रिंग्स विच कंटेन एग्जैक्टली टू ज़ीरोज़ बाइंड्री स्ट्रिंग मीन्स ज़ीरो और वन के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें एग्जैक्टली दो ज़ीरोज़ होनी चाहिए तो एग्जैक्टली टू ज़ीरोज़ होनी चाहिए वन के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है तो वन तो कितने ही भी हो सकते हैं ज़ीरो से पहले भी वन हो सकता है बाद में भी हो सकता है दोनों ज़ीरो के बीच में भी हो सकता है तो क्या होगा वन स्टार जीरो पे हम स्टार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हमारे पास एग्जैक्टली टू जीरोज़ ही होनी चाहिए अगर हमने स्टार किया तो मोर देन टू भी हो जाएगी वन स्टार ज़ीरो वन स्टार ज़ीरो वन स्टार तो ये किससे मैच कर रहा है ए ऑप्शन ए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन डी एफ एक्सेप्टिंग द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा ए बी हुज थर्ड सिंबल फ्रॉम बिगनिंग इज ए हमें डी एफ ए कंस्ट्रक्ट करना है और उसमें बताना है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट होंगी अगर हमारा थर्ड सिंबल ए है स्टार्टिंग से सो लेट्स चेक इट कंस्ट्रक्ट द डी एफ एस्टे फर्स्ट स्टेट से अगर हम सेकंड स्टेट पे जब जाएंगे तो हमारे पास ए या बी कुछ भी हो सकता है फ़र्स्ट सिम्बल सेकंड सिम्बल भी हमारा ए या बी कुछ भी हो सकता है बट जो हमारा थर्ड सिम्बल होगा वो हमारा क्या होना चाहिए ए ये एक्सेप्ट होना चाहिए अब अगर थर्ड स्टेट पे हमारे पास बी आ जाता है तो वो तो हमारा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा थर्ड सिंबल ए है तो अगर बी आया तो हम क्या करेंगे ट्रैप स्टेट पे चले जाएंगे। ट्रैप मीन्स डेड स्टेट वहाँ से वापस नहीं आया जा सकता और थर्ड सिंबल के बाद तो हमारे कितने ही भी नंबर ऑफ ए और बीज हो सकते हैं कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है तो ए या बी की लूप तो हमारे पास कितनी टोटल स्टेट आई वन टू थ्री फोर फाइव सो हेयर सी विल बी द आंसर इफ़ लैंग्वेज एल वन इज़ जीरो प्लस वन प्लस यानी कि क्लीन प्लस मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय डीएफए डीएफए से हम मिनिमम स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट करा सकते हैं अगर हमारे पास लैंग्वेज है जीरो प्लस वन प्लस ये है क्लीन प्लस प्लस के अंदर हमारे पास नल के लिए कोई चॉइस नहीं होती कि हम नल को एक्सेप्ट कर सकें तो हमें यहाँ पे मिनिमम ज़ीरो और वन तो लेना ही पड़ेगा उससे मिनिमम स्ट्रिंग हमारे पास जनरेट नहीं हो सकती सो हेयर सी विल बी द आंसर एल इक्वल टू ए रेज टू पावर एन सच दैट एन लेस देन इक्वल टू थ्री मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डी एफ ए डी एफ ए में हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी और एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू थ्री है तो हम क्या क्या एक्सेप्ट करा सकते हैं ए की पावर जीरो मीन्स नल ए की पावर वन ए की पावर टू ए की पावर थ्री तो कितनी स्टेट होंगी इसके लिए क्यू नोट नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए तो फाइनल स्टेट बना दिया ए वन भी एक्सेप्ट होना चाहिए ए टू भी एक्सेप्ट होना चाहिए और ए थ्री भी एक्सेप्ट होना चाहिए उसके बाद ए फोर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए तो अगर उसके बाद कुछ और एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे ट्रैप स्टेट पे, और हम ए के लिए लूप लगा देंगे ताकि कोई और ए जनरेट ना हो तो यहाँ पे हमारी कितने नंबर ऑफ स्टेट्स लगी वन टू थ्री फोर फाइव सो हेयर सी विल बी द आंसर थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें